राजस्थान के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि गोधरा कांड एक आतंकी साजिश थी और इसके बाद हुए दंगों में केवल मुसलमानों को टारगेट किया गया, जबकि हम सभी जानते हैं कि दंगों में सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों का नुकसान हुआ था। राजस्थान के बच्चों को यह बताया जा रहा है कि दंगों में शामिल मुस्लिम युवक दरअसल हीरो थे और ये वहां के टेक्स्ट बुक में बताया जा रहा है। हमारे पास उस किताब का एक गोधरा चैप्टर है जिस किताब का नाम है अदृश्य लोग। ये किताब का फ्रंट पेज और वो पेज आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस किताब का शीर्षक देखिए, शीर्षक है अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानियां। इस किताब के कुछ पन्ने भी हमारे पास हैं जिन पन्नों को मैं दिखाऊंगा आपको। उन्हीं में से एक पन्ना ये है और इसमें ये लाइंस मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाई है, इसको अगर हम फुल स्क्रीन दिखा सकें, जिसमें जानबूझकर बताया गया है कि गुजरात दंगा दरअसल मुस्लिम विरोधी नरसंहार था। बच्चों के अंदर फैलाए जा रहे इस भ्रम को देखते हुए राजस्थान के शिक्षा विभाग ने इस किताब को अब वापस भी मंगवा लिया है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ चुकी है, इसी किताब को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विवाद इस बात को लेकर के हो रहा है कि बीजेपी का आरोप ये कि इस किताब में गोधरा के आरोपियों को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया, इस किताब में गलत तथ्य दिए गए कि गोधरा एक आतंकवादी घटना थी और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को उसमें टारगेट किया गया। बीजेपी कहना है कि जानबूझकर सरकार के द्वारा बच्चों के अंदर यह प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई, जबकि हकीकत यह है कि दंगों के अंदर चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हों, उस इलाके में जो लोग रह रहे थे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। राजस्थान के बच्चों को अब गोधरा कांड नहीं पढ़ाया जाएगा। बच्चों के सिलेबस से गोधरा का चैप्टर साफ कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री के मुताबिक गोधरा कांड के चैप्टर में हत्यारों का महिमा मंडन किया गया है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों को दी गई 4 किताबों को वापस मंगवाया है। इसमें एक किताब है अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानियां। दावा है कि इसके एक चैप्टर में गोधरा कांड के विषय में बताया गया है। इस चैप्टर में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का जिक्र है जिसमें मुस्लिम दंगाइयों को हीरो की तरह पेश किया गया है। गोधरा का जो दुर्घटना थी उसमें अपराधियों पर हत्यारों को महिमा मंडित करने का प्रयास हुआ जो ठीक नहीं है। हमने इस पुस्तक को वापस मंगा लिया है, उसको बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे, मेरे साथ प्रयास करें। इस किताब के कुछ हिस्से हमारे पास हैं। इसके एक पेज पर बताया गया है कि गोधरा स्टेशन पर ट्रेन का एक डिब्बा जल गया था और लोगों ने इसके लिए मुसलमानों की भीड़ को जिम्मेदार बताया। इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि दंगों में केवल मुस्लिमों पर ही हमले हुए। इसी तरह से इस किताब के एक पेज पर यह बताया गया है कि गोधरा में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ बल्कि मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक नरसंहार हुआ। इसके एक पेज पर यह भी बताया गया है कि दंगों में शामिल कुछ मुस्लिम युवक दंगाई नहीं बल्कि हीरो थे। किताब में यह बताने की कोशिश है कि गोधरा स्टेशन पर ट्रेन जलाने की घटना एक आतंकी साजिश थी। गोधरा कांड को लेकर बच्चों को दी जा रही नकारात्मक जानकारी ही किताब वापस मंगवाए जाने की वजह है। बीजेपी का आरोप है कि किताब में ये चैप्टर कांग्रेस सरकार के दौरान डाला गया था। ये पुस्तकों में पाठ्यक्रम जोड़ना घटाना ये परंपरा अच्छी नहीं है। कोई ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो वो तय करे, हालांकि कमेटी होती भी है, कि कौन से पाठ्यक्रम जनहित के अंदर रखने हैं, कौन से नहीं। अदृश्य लोक किताब को पूर्व आईएएस अधिकारी हर्षमंदर ने संकलित किया है। वर्ष 2002 गुजरात दंगों के बाद वो एनजीओ से जुड़ गए थे। हर्षमंदर पर विदेशी चंदे के एक मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। हर्षमंदर ने अपने अनुभवों को इस किताब में जोड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि गोधरा कांड पर बच्चों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। जयपुर से दिनेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।